खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सनसनी 400 गोलियों का एक निशाना। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? चार सौ गोलियों से सात लोग छलनी। चार सौ गोलियों से बीजेपी नेता का खून, और कातिल कोई नहीं। यूपी के सबसे बड़े खूनी कांड का खेल खत्म। हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर हैरतअंगेज फैसला। कृष्णानंद राय मर्डर केस का मर्डर। गोलियां चलती रही, गोलियां इतनी चली कि कार और कार में बैठे एक जाने माने नेता का जिस्म छलनी छलनी हो गया। हमलावरों के पास AK-47 थे और इस हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने दो चार दस नहीं करीब 400 गोलियां दागी थी। यह उत्तर प्रदेश में हुई पहली राजनीतिक हत्या थी। यूपी के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में यह पहला हाई प्रोफाइल मर्डर था। एक दिग्गज बीजेपी नेता समेत सात लोगों की सरेआम हत्या की गई थी, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनका हत्यारा कोई नहीं था। कृष्णानंद राय मर्डर केस का मर्डर। क्या आसमान से गोलियां बरसती हैं? क्या हत्यारा हवा में अदृश्य हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का खून हो जाए और कोई खूनी भी ना हो? इन सवालों को सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन यूपी में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर 14 साल बाद जो फैसला आया है उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। जी हां, यह कहानी है बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के खून की, जिसके इल्जाम में फंसा था पूर्वांचल का बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी। गोलियों की ये गूंज यूपी के पूर्वांचल में आज भी सुनाई देती है। आज भी जिंदा है बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या की वो कहानी जिसने यूपी को हिला कर रख दिया था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों चौदह साल पहले यूपी के गाजीपुर में हुई इस सनसनीखेज हत्या को कई लोग आज तक नहीं भूले हैं। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या यूपी की पहली राजनीतिक हत्या थी। इस हत्या के पीछे पूर्वांचल में पल रहे माफिया और राजनीति के गठजोड़ का खेल था, और जब बीजेपी नेता कृष्णानंद राय को सरेआम गोलियों से भून दिया गया तो ये खेल दुनिया के सामने आ गया। और इस हत्याकांड में जो शख्स आरोपों से घिर गया वो था मुख्तार अंसारी। जी हाँ, वही मुख्तार अंसारी जिसे कोई पूर्वांचल का डॉन कहता है तो कोई बाहुबली। कल भी सब पर भारी था मैं, आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में फंसा मुख्तार अंसारी करीब 14 साल से जेल की सलाखों के पीछे था। इन 14 साल में कृष्णानंद राय मर्डर केस की तहकीकात में कई मोड़ आए, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन मुख्तार अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन अब 14 साल बाद अदालत के एक फैसले से मुख्तार अंसारी जेल से आजाद हो सकता है, क्योंकि सीबीआई की अदालत में मुख्तार अंसारी और बाकी आरोपियों पर दोष साबित नहीं हो पाया और कोर्ट ने
मुख्तार अंसारी समेत तमाम आरोपियों को केस से बरी कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तो ये लॉ का सिद्धांत है, साक्ष्य का सिद्धांत है कि पर्याप्त साक्ष्य और संदेह से परे साक्ष्य होगा तभी अभियुक्त की सजा की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। कृष्णानंद राय हत्या केस में मुख्तार अंसारी की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन हत्या के इस केस से बरी होने के बाद एक बार फिर मुख्तार अंसारी ही नहीं उसके घर वाले और समर्थकों में खुशी की लहर है। जिस गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने इस बार लोकसभा का चुनाव जीता है, उस गाजीपुर में एक बार फिर मुख्तार का डंका बजना शुरू हो गया है। जो जीत हुई है पूरा जिला बहुत खुशी मना रहा है, चारों तरफ मिठाई बांटी जा रही है। सत्य की जीत हमेशा होती है, हमेशा होती रहेगी। अरे अफजाल अंसारी गरीबों के मसीहा हैं और अफजाल अंसारी 5 बार विधायक 2 बार सांसद वो गरीबों के मसीहा हैं, उनको गलत फंसाया गया था। देर है अंधेर नहीं, सत्य की विजय होती है और सत्य का विजय हुआ। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या सरेआम हुई थी, उन पर खुलेआम करीब 400 गोलियां बरसाई गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी समेत 8 लोग फंसे थे, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में सारे आरोपियों को बरी कर दिया। और अब अदालत के फैसले से यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी नेता कृष्णानंद राय को किसी ने नहीं मारा? क्या यूपी के हाई प्रोफाइल मर्डर केस का भी हो गया मर्डर? बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या कैसे हुई थी, इस हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम कैसे आया, ये बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं साल 2005 में, जब मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में था। साल 2005 के अक्टूबर महीने में मऊ में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा भड़का है। इस दंगे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 13 दिन तक चली हिंसा और आगजनी में मऊ के कई इलाके अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए, लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी की ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में मुख्तार खुली जीप में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। मुख्तार पर दंगे भड़काने का आरोप लगा, जबकि मुख्तार अंसारी का दावा था कि वो तो उग्र भीड़ को शांत कर रहा था। बाद में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो जेल चला गया। मऊ दंगे के बाद मुख्तार जेल चला गया, लेकिन जब वो जेल में था उन्हीं दिनों जेल से बाहर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। मुख्तार अंसारी पर यह आरोप लगा कि उसने जेल के अंदर से ही कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी, लेकिन क्यों? दरअसल कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी राजनीति के मैदान में आमने सामने थे। दोनों के बीच टकराव मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को लेकर था। ये सीट मुख्तार अंसारी के रसूख और अंसारी परिवार की पहचान से जुड़ी थी। मोहम्मदाबाद सीट पर 25 साल से लगातार अंसारी परिवार के सदस्य ही जीतते आ रहे थे, लेकिन 25 साल बाद मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय ने जीत दर्ज करके अंसारी परिवार को खुली चुनौती दे डाली थी। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने एक तरह से मुख्तार अंसारी के किले को ध्वस्त कर दिया था। कहा यह जाता है कि अंसारी परिवार का 84 से उस मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर कब्जा चला आ रहा था और उसको कोई हरा नहीं पाता था। कृष्णानंद पहले आदमी थे जिन्होंने कि 25 साल बाद उस दबदबे को मतलब तोड़ा था, 2 दशक के बाद उन्होंने उनको हराया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मुख्तार को वो बात हजम नहीं हो रही थी और उन्होंने ये वो किया था कि इनका कार्यकाल नहीं पूरा होने देंगे। कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीत कर मुख्तार की साख को चुनौती दी थी। कृष्णानंद राय के घर वालों का आरोप है कि इस चुनावी हार को मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया। परिवार वालों का इल्जाम है कि हार का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उसने पूरे यूपी को सकते में ला दिया। कृष्णानंद राय की पत्नी बताती हैं कि उस रोज कृष्णानंद राय को एक खेल टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था।
जबकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। असलियत में ऐसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। साजिश में शामिल लोगों को ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले कृष्णानंद राय उस दिन साधारण गाड़ी से ही आ रहे हैं। यही नहीं, हमले के लिए कृष्णानंद राय को कहां घेरना है, कैसे हत्या को अंजाम देना है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। गांव में भी कुछ लोग उनके थे जिसके मदद से वो जानकारी प्राप्त किए कि वो कैसे जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे हैं कि गाड़ी नहीं लेकर जा रहे हैं, ये सब जानकारियों को लेकर के और एक चक्रव्यूह की रचना कहिए, ये चक्रव्यूह की रचना करके उनकी हत्या की गई थी। सियाड़ी गांव में कोई टूर्नामेंट और कोई बैडमिंटन अरे बैट बॉल का नहीं था। जब वहां पहुंचे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वहां बोले भी हैं कि आप लोग मुझे क्यों बुला लिए यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि बच्चों की कि नहीं विधायक जी हमारे गांव में आए। तो फिर वहां कुछ देर रुके, वहां से भी उन लोगों का आदमी था चाहे जो लोग हो, उसके बाद वहां से वो कनुआन उनको जाना था। सियाड़ी गांव में उनको काफी टाइम लग गया, काफी देर हो गई। जी विधायक जी, अच्छा ये बताओ कि आगे का प्रोग्राम गाड़ी क्या रोकी? हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास AK-47 राइफल थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी आते ही एक गाड़ी में बैठे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हमलावरों ने करीब 400 गोलियां चलाई थी। उन्होंने कृष्णानंद राय का जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया था। उनके साथ 6 और लोग भी मारे गए थे। पहुंचे तो वहाँ की रोड, मोहम्मदाबाद की रोडें जितनी थी इधर की करेल क्षेत्र की, आपका लट्ठू डी से ये कोटवा नारायणपुर रोड जाता है, दोनों तरफ झाड़ी थी और एक ही गाड़ी क्रॉस करना मुश्किल था, दूसरी गाड़ी क्रॉस करने में दिक्कत होती। इसीलिए विधायक जी ये नहीं सोचे कि सामने हमारे पर हमला करने कोई व्यक्ति आ रहा है, वो थोड़े गाड़ी अपने साइड में करा लिए, उसी में वहां पर ये घटना घटी है। कृष्णानंद राय की हत्या होते ही मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया, क्योंकि हर तरफ यही आरोप लग रहे थे कि कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई है, जबकि वो जेल में था। कृष्णानंद राय की हत्या के कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी एक मामले में अपनी जमानत तोड़वा करके वो जेल चले गए थे, और उससे पहले मऊ दंगा हो चुका था, तो मऊ दंगा में भी ये मतलब काफी चर्चित हुए थे वो थे, तो उसी में अपना इन्होंने वो करवाया था। मुख्तार अंसारी जेल में था और बाहर उस पर ये इल्जाम लग रहा था कि उसने कृष्णानंद राय की हत्या करवाई है। आरोप ये लगा कि मुख्तार ने बेहद गहरी साजिश रची थी ताकि हत्या के केस में वो खुद न फंसे। सबसे बड़ा गुनाहगार ये क्या कहते हैं मुख्तार है और उनके भाई अफजाल है, ये पहले से ही साजिश रची गई थी। कम से कम लग रहा है कि 15 दिन एक महीना से साजिश है कि कब पता चल गया था उन लोगों को कि वो बनारस में भी वो लोग प्रयास किए थे मारने के लिए, बाकी बनारस में वो नहीं निकले तो ऐसा घटना नहीं घटी, बाकी वो लोग एक मन बना लिए थे कि उस शादी में आएंगे गांव पर तो हम लोग इनके साथ ऐसा कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। गांव में भी कुछ लोग उनके थे जिसके मदद से वो जानकारी प्राप्त किए कि वो कैसे जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे हैं कि गाड़ी नहीं लेकर जा रहे हैं, ये सब जानकारियों को लेकर के और एक चक्रव्यूह की रचना कहिए, ये चक्रव्यूह की रचना करके उनकी हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के भी बुरे दिन शुरू हो गए, वो जेल चला गया, लेकिन जेल से बाहर उसके नाम का रसूख कायम था और जेल के बाहर उसके खिलाफ यूपी के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच भी शुरू हो चुकी थी।
कृष्णानंद राय मर्डर केस में मुख्तार के अलावा कुछ और आरोपी भी थे, जिनमें शामिल हैं सुनील संजीव माहेश्वरी, इजाजुल हक, मुख्तार का भाई अफजल अंसारी, राकेश पांडे, रामू मल्ला, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी। कृष्णानंद राय के इन आरोपियों में से एक कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की बीते साल ही बागपत जेल में हत्या हो गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या के सारे आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अदालत में कोई सबूत नहीं मिला और सबूतों के अभाव में इन सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई, लेकिन इस केस में क्या कोई ठोस गवाह भी नहीं मिला? जिस कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उनके वकील रह चुके रामाधार राय बताते हैं कि इस केस में जो भी अहम गवाह थे वो या तो भाग गए या फिर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई। सभी गवाह जो थे या तो डर के मारे गवाही नहीं किए, या उनको हटा दिया गया, या अपने जिला छोड़ के भाग गए। उनमें से कॉन्स्पिरेसी के 2 गवाह हैं, जिसमें कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का कहा जाता है कि इनके सामने इन लोगों ने रचा था कि कृष्णानंद की हत्या कर दी जाए। उसके अहम गवाह थे मुन्ना और संजीव राय, ये जमानिया तहसील के रहने वाले थे। ये लोग छोड़ करके जिला भाग गया यहाँ से। दूसरे जो घटनास्थल पर मौजूद थे गवाह या आसपास में थे, उनमें से एक गवाह तो शशिकांत घायल था ना, घायल था, घटना के सही समय था, वही बचा था। 2 गाड़ियों में यही एक बचा था, नहीं तो उनका गनर वगैरह सब और उनका सब मार डाले गए थे, कोई बचा नहीं। और जो उनके पास सामान था सब लूट लिए गए, और से बचते हुए शान से लोग चले गए। और ये मनोज गुण कौन? मनोज गुण बगल में काम करने वाला, उसी इलाके का मजदूर किस्म का, खेत में काम कर रहा था। उसने देखा, दौड़ के आया तो ये घटना को पूरा देखा। उसको भी जब जान गए कि ये भी गवाह है, तो उसकी भी स्वाभाविक मौत खारिज कर दी गई। ये सब गवाह जो थे सही माने में गवाह थे, घटना को देखे थे, उनको मालूम हो जाता था कि ये गवाही करने वाला है। वो गवाह रह नहीं पाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। रामाधार राय की माने तो मुख्तार अंसारी की फैजाबाद जेल से माफिया डॉन अभय सिंह से फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों की बातचीत के ऑडियो क्लिप वॉइस टेस्टिंग के लिए कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे मुख्तार के खिलाफ केस और कमजोर हो गया। फैजाबाद जेल में कोई एक नामी अपराधी अजय सिंह नाम का था, अभय सिंह नाम का था, उसी से बातचीत घटना के बाद उसी ने बताया इनको, उसके जरिए मालूम हुआ। तो मुख्तार अंसारी से उनसे बताया कि ऐसा हो गया, उनको बड़ा खुशी सुनाया और कहा कि हमारे पास साक्ष्य है। मुख्तार अंसारी को विश्वास नहीं था, लेकिन कहा कि उनकी चुंडी काट लिया हमने और उनका ये सामान हमारे पास है। इसका कन्वर्सेशन सबूत पक्ष की जांच के दौरान मिला, तो उन लोगों ने दरख्वास्त दिया अदालत में कि उनकी आवाज़ को चेक करने की इजाज़त दिया जाए, ताकि हम मिलान कर सकें। लेकिन उस समय के जज साहब ने सबूत पक्ष की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कई बड़े नेताओं ने आंदोलन किया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद उस वक्त बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने अनशन किया था। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद वाराणसी पहुंचकर हत्या के खिलाफ एक न्याय यात्रा को रवाना किया था। दूसरी तरफ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि जांच सीबीआई से करवाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसके बाद में अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। याचिका में आशंका जाहिर की गई थी कि आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, ऐसे में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। कृष्णानंद राय मर्डर केस में 2 लोगों की चार्जशीट मेरे न्यायालय में उस वक्त फर्स्ट रिकॉर्ड फर्स्ट में है, अभियोजन अधिकारी था, ट्रायल करने के लिए आया था। उसमें गवाहियां स्टार्ट हुई और जो पंचायतनामा के विटनेस थे उनका एग्जामिनेशन मैंने कराया था। इसके बाद यह फाइल और लोगों के चार्जशीट आने पर एक साथ कंसल्टेट हुई
और वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इस सीबीआई कोर्ट को केस ट्रांसफर हो गई और तब से सीबीआई कोर्ट इस केस का ट्रायल कर रही थी। कृष्णानंद राय की हत्या के इंसाफ के लिए उनके घर वालों ने 14 साल तक इंतजार किया, लेकिन 14 साल बाद जो फैसला आया उससे कृष्णानंद राय केस में सबसे बड़े आरोपी मुख्तार अंसारी के घर में खुशी की लहर छा गई। मुख्तार अंसारी 14 सालों से जेल में कैद है, लेकिन जेल से बाहर मुख्तार अंसारी का दबदबा, उसका रसूख कम नहीं हुआ है। आखिर कॉलेज का एक नौजवान मुख्तार कैसे पूर्वांचल का बाहुबली बन गया, अब आप ये देखिए। 6 फुट 4 इंच लंबी चौड़ी कदकाठी वाला ये शख्स जब मूंछों पर ताव देकर मुस्कुराता है तो उसके दुश्मनों के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। मुख्तार अंसारी खौफ का वो नाम है जो कई लोगों के लिए नायक है, तो कई उसे पूर्वांचल का डॉन और माफिया कहते हैं। कल भी सब पर भारी था मैं, आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार का जो अगर हम 2017 के रिकॉर्ड को देखें, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को देखें, तो उन्होंने अपना जो हलफनामा दिया है उसमें 16-17 मामले उनके ऊपर दर्ज है और उसमें वो सारे केस हैं जो सामान्य तौर पे अपराध की दुनिया में कम लोगों पे होते हैं। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसके खानदान से कई शख्सियतों के नाम जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी हुआ करते थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी और कद्दावर कम्युनिस्ट नेता थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर लगी ये तस्वीरें अंसारी परिवार की कहानी बयां करती हैं। मुख्तार अंसारी का यह घर बड़का गेट, बड़ा दरवाजा कहलाता है, जहां फरियादी और मदद मांगने आए लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये वो जनता दरबार है जो अंसारी परिवार के यहाँ सुबह और शाम रोज लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दरबार में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, वो दुख लेकर आता है और चेहरे पर खुशी लेकर यहाँ से जाता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी होने के बाद मुख्तार अंसारी के घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये सवाल कायम है कि कृष्णानंद राय समेत जिन 7 लोगों की हत्या हुई, आखिर उसके हत्यारे कौन थे? मृतकों के परिवार वालों को आखिर कब मिलेगा इंसाफ? सनसनी में अभी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।